मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र शासन। एक सबसे पवित्र माह पूष का माह जिसमें 6 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज भी धर्मनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे धर्मनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक हम सब के लिए मंगलमय हो। हमारी भावनाएं हैं कि हम समाधि की प्राप्ति करें, ऐसी भावना की सफलता हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना से धर्मनाथ भगवान और उनके केवल ज्ञान कल्याणक को इस मांगलिक बेला में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। वे आदर्श होत रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इस भावना से उनको स्मरण करते हैं। चर्चा चल रही है मृत्यु महोत्सव की। जो मृत्यु से डरते हैं वो जैनी नहीं है, जो मृत्यु से डरते हैं वो जैनी नहीं है, और जैनी है वे मृत्यु से डरते नहीं है। उसका कारण यह है कि मिथ्या दृष्टि को ये लगता है कि मैंने महापुण्य किया है, महान पुरुषार्थ किया है, इसलिए मैं मनुष्य हुआ हूं। किसको लगता है ऐसा? मिथ्या दृष्टि को लगता है बड़ी मुश्किल से इतनी सुंदर देह मिली है, इतने खाने पीने की सुविधाएं मिली हैं, इतना पैसा और महल मिला है, लेकिन सम्यक दृष्टि जानते हैं कि तन कारागृह है, तन कारागृह है, जेल है। मिथ्या दृष्टि को जेल प्रिय है तो 3 काल में भी मोक्ष नहीं होगा उसे। कैसे होगा? जैसे जेल प्रिय है वो जेल से छूटने का उद्यम कैसे करेगा? लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है, अरे रे महापुरुषार्थ के फल में देह नहीं मिला करती, ये तो अपराध के फल में मिलती है। अरे रे मैंने आत्मविस्मृति नाम का महाअपराध किया है। क्या किया है? अपने स्वरूप की विस्मृति, अपनी महिमा की विस्मृति, अपनी सामर्थ्य की विस्मृति करके, अनादर करके मैंने अनंत पाप किया, उसके फल में कारागृह मिला है। अब जिसे कारागृह से छूटना है सबसे पहले से कारागृह प्रिय नहीं लगनी चाहिए, है ना? एक दृष्टांत आता है, एक तोता होता है और एक कबूतर होता है। कबूतर को पालने के लिए पिंजरे की जरूरत नहीं पड़ती, और तोते के लिए आप सोने के पिंजरे में भी रखो और दाख खिलाओ, दाख है? दाख अरे काजू किसमें खिलाओ उसे, तो भी मौका पाते ही सोने का पिंजरा छोड़कर उड़ जाता है। अब ये बताओ कि मिथ्या दृष्टि कौन है? मिथ्या दृष्टि कबूतर की भांति, कितने ही दुख मिलते हो लेकिन वहीं रहता है, वहीं रहना चाहता है, ये शरीर छोड़ना नहीं चाहता, ये पिंजरा छोड़ना नहीं चाहता है। और सम्यक दृष्टि जानते हैं, अरे रे मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो आनंद गुणों की खान हूं, नव द्वार बहे घिनकारी, ऐसी देह में रहना पड़े ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसके रोम रोम में दुर्गंध बसती हो, 200 रुपए किलो का घी डालो तो दुर्गंध निकलती हो इस शरीर से, लार बहती हो तो अच्छी नहीं लगे, नाक से गंदगी निकले तो पसंद नहीं, आंख से कीचड़ निकले पसंद नहीं, मलमूत्र के द्वार निकले, अरे रे पसीना निकले तो अच्छा नहीं लगे। इन 9 द्वारों से कहीं से भी अच्छी से अच्छी चीज डाली जाए और एक खराब कर दे, वे ऐसा शरीर रहने योग्य स्थान नहीं है मेरा, मैं तो सिद्धालय में भगवंतों के बीच रहूं, वो मेरा स्थान है। ध्यान से सुन लेना ये वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण है।
जिसे ये देह प्रिय नहीं है उसे मृत्यु का भय कैसे हो सकता है। कल हमने आपसे कहा था कि आप विचार करना, हंसी में मत लेना। कल बहुत मार्मिक चर्चा थी, आपको प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहा था कि आप सोचो कि आज देह छूटे तो हमें क्या तकलीफ है, क्या भय है, किस बात का भय है। मैं आपके ऊपर फिर छोड़ देता हूं आज भी, आप जिस गुत्थी को नहीं सुलझा पाओ वो मेरे से पूछो, उसका हम ज्ञानी मुनिराजों के विद्वानों के वचनों के अनुसंधान से अपना उसका उत्तर खोजेंगे। ख्याल में है कुछ? देखो भाई, बताओ ऐसे ज्ञानी पुरुष को जिसे तन पसंद ना हो, जेल ही पसंद नहीं हो, वो ही जेल तोड़कर निकलेगा। और जो जेल में ही खुश हो जाएगी, आजकल तो साहब जेल एयर कंडीशन बन रही है और जेलों में सुविधाएं बहुत है खाने पीने की है, तो वो व्यक्ति जेल छोड़कर कभी जाने वाला नहीं है। बस इतने में वैसे देखा जाए तो सारा समाधान है। तन काराग्रह बनिता भेड़ी, परिजन जन रखवाले, पढ़ा होगा है? ये हमारे परिजन रखवाले हैं है? ज्यादा क्या कहें भाई, विचार करना। मृत्यु महोत्सव की बात चल रही है, मृत्यु की मृत्यु हो जाए, ऐसे पर्व की चर्चा चल रही है, ऐसे महोत्सव की चर्चा चल रही है। वह विधि जिसके द्वारा हम अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएंगे। देखो इस देह ने 1% भी सुख नहीं दिया आज तक। आप बताओ, सोचो क्या सुख दिया इसने? आप ईमानदारी से सोच के बताओ कि हमें इस काम में सुख मिला है? इस शरीर के कारण क्षुधा की, तृषा की, गर्मी की, सर्दी की, बीमारियों की, नई नई बीमारियां, हजारों लाखों बीमारियों की, और इसके भोगों के फल में नरक की, निगोद की, त्रियंच की, मैंने इस शरीर की प्रीति के बस और कितने दुख नहीं भोगे बोलो। तो अब बताओ क्या करना है? शरीर प्रिय है, यदि शरीर प्रिय है तो समाधि मरण हो नहीं सकता। पहली शर्त यह है कि यह शरीर हमें प्रिय ना लगे, और जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, तब पैसा भी हमारा नहीं, पत्नी हमारी नहीं, बच्चे हमारा नहीं, कोई भी हमारे लिए सुखरूप नहीं। इतनी बुद्धि हो तो आपकी समाधि मरण आराम से हो सकता है, इजीली, बहुत आसानी से। तो आप फैसला कर लेना अच्छी तरह से कि सचमुच शरीर से क्या सुख मिला, प्रश्न नंबर एक। अगर शरीर से सुख नहीं मिला तो इसके संबंधियों से वास्तव में क्या सुख मिला। हमने तो बता दिया अभी, चार गति, भूख प्यास रोग पीड़ा, गाली गलौज, मान अपमान, निंदा अपयश, ये क्या हुआ? ये सब इस सब इस शरीर के कारण। बोलो, जिस आत्मा के शरीर नहीं हो उस आत्मा को क्या होने वाला है ना? तो ये तो आप विचार करना। अभी अपनी चर्चा चल रही थी, वहां से आगे बढ़ाते हैं। समरसी भाव समाधि, समता भाव ही समाधि है। क्या कह रहे हैं? समता भाव ही समाधि है। अजेनो में तो समाधि उसको कहते हैं जमीन में छिपा देंगे उसको, है ना? किसान समाधि ले ली, समाधि तो आपने उसको समाधि नहीं कहते, जल समाधि है, पृथ्वी की समाधि मिट्टी में गड़ जावे, या अग्नि की समाधि ले ले अग्नि में कूद जावे, या पर्वत पर से समाधि ले लेते हैं पर्वत पर से कूद जाते हैं, लेकिन वो हमारे यहां समाधि नहीं। हमारे यहां तो समता स्वरूप आत्मा में समा जावे, इसका नाम समाधि। अभी समता की चर्चा हमें थोड़ी सी कर रहे थे, कलम चलते चलते समरसी बाबा समाधि मतलब क्या है कि देख भाई, शरीर छूट जाना इसमें कोई दम नहीं, ये तो सब कुछ छूटता है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन समता भाव पूर्वक छूटे। उसमें क्या लिया था कल कि आपको आकुलित होकर संकलेश करके देह छोड़ देवे, क्या करें खाने पीने नहीं मिल रहा, इससे तो मर जाओ तो अच्छा है, उसका नाम आत्महत्या है। जो दुखों से डरकर देह छोड़ देते हैं वो तो आत्महत्या है। क्या कहा? वो तो आत्मघात है। क्या करें, हमारी पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे अनुकूल नहीं है, आजीविका अनुकूल नहीं है, हे भगवान मर जाए तो अच्छा है। ये ऐसे संकलेश पूर्वक मरण तो आत्महत्या है। ख्याल में आए कुछ? इसलिए जैन दर्शन में समाधि माने आत्महत्या नहीं। समाधि की जो बात चल रही ना मृत्यु महोत्सव, ये कोई आत्महत्या का नाम नहीं है।
लोग प्रश्न करते हैं कि इसमें तो फिर जानबूझकर खाते पीते नहीं हैं, जानबूझकर के अकेले में रह जाते हैं, दवाएं नहीं लेते हैं, ये तो आत्महत्या है कि नहीं? आत्महत्या नहीं है, समाधि आत्महत्या नहीं है, ये महोत्सव है। क्यों मालूम है? एक प्रकरण ऐसा आता है, पहले तो मैं आपको प्रथमानियों से बताता हूं, कितने ही महापुरुष पुराण पुरुष जिन्होंने बहुत कष्ट भोगे, सील पर उपसर्ग होगा, संयम पर संकट आता हुआ भी देखा, लेकिन आत्मघात नहीं किया। देखो गजब बात, सीता ने आत्मघात का विचार नहीं किया, चंदन वाला को चौराहों पर नीलाम कर दी गई। चंदन वाला कौन थी? महावीर भगवान की मौसी, और महावीर भगवान के समोसरण में मुख्य श्रोता, मुख्य आरिका, मुख्य आरिका, मुख्य गणनी, ऐसी चंदन वाला चौराहों पर नीलाम हो गई। वेश्यालय में जाना पड़ा, दो दो तीन तीन बार उसके सिर पर उपसर्ग आया, लेकिन उसने एक बार भी आत्मघात करने का नहीं सोचा। ये थोड़ा विचार करने ऐसी बात, सेठ सुदर्शन पर इतने दोष लगाएगा, तीन तीन बार इतनी आपत्ति आई उनके ऊपर, इतने उपसर्ग आए, लेकिन उन्होंने स्वरूप में समाने की चेष्टा तो की, भेद विज्ञान तो किया, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आश्रय करके कर्मों को काटने की चेष्टा तो की, लेकिन आत्मघात करने की चेष्टा नहीं। बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, द्रोणागिर है, द्रोणागिर नाम सुना होगा आपने, द्रोणागिर जी अपने प्रिय क्षेत्र है, पशन छोटा समय शिखर जी कहलाता है, वहां से गुरुदत्त आदि मुनिराज मोक्ष में गए हैं, तो वहां गुरुदत्त की मुख्य कथा है, गुरुदत्त की। गुरुदत्त मुनिराज को उस द्रोणागिर के जंगल में, उस पर्वत पर बेरी ने रुई लपेट कर जला दिया था, कपड़े चीथड़े लपेट करके, या रुई, दोनों तरह की कथा आती है, रुई लपेट करके, सेमल की रुई लपेट कर, अथवा तो कपड़े लपेट कर तेल डालकर आग लगा दिया। अब जरा ध्यान से सुनना जो बताना चाह रहा था इस प्रसंग में, कि उन दिगंबर मुनिराजों ने ये भावना नहीं भाई कि ये भगवान जलन नहीं सही जाती तो जल्दी छूट जाए तो अच्छा, जल्दी देर छूटे ये नहीं सोचा उन्होंने, वे स्वरूप में समाकर केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने। देखो फर्क देख लो थोड़ा सा, हमें बहुत पीड़ा हो रही हो, पेट में बहुत असह्य वेदना हो रही हो, टीवी सही नहीं जा रही हो, कैंसर सहा नहीं जा रहा हो, पेट में शूल उठ रही हो, सही नहीं जा रही हो, कदाचित आग में जल गए हो और पीड़ा सही नहीं जा रही हो। कितने ही रोगी इस तरह के होते हैं कि बिल्डिंगों पर खून के आत्मघात कर लेते हैं, बोले हॉस्पिटलों में उन्हें बांध बांध कर रखना पड़ता है कि ये कहीं ऊपर से कूद के नहीं मर जाए, ये सच्ची बात है बिल्कुल। माने जब वेदना सही नहीं जाती तो आदमी को ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाए तो अच्छा है, ख्याल में आया कुछ? लेकिन धन है वह उपसर्ग के बीच में भी ज्ञानी जीव जिन्हें एक बार भी ये विकल्प नहीं आता, इससे तो आत्मघात कर ले तो अच्छा है। अरे आत्मघात करने का तो नहीं सोचते, हे भगवान जल्दी से देह छूट जाए, आयु पूरी हो जाए, ये विचार नहीं आता है। देखो जितनी देर में विचार आएगी आयु क्षय हो जाए, जल्दी आयु पूरी हो जाए, जल्दी शरीर छूटे तो अच्छा है, उतनी देर में ही शरीर मेरा है ही कहां, शरीर तो छूटा हुआ है, ऐसा जानकर आत्मा का आश्रय करते हैं, उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, ख्याल मेरे कुछ? माने इस कारण समाधि मरण संभाव, संभाव माने देर जल्दी छूटे हैं कि देर तक जलती रहे हमें परवाह नहीं। तीन दिन तक सियाल नींद खाती रही, सुकुमार मुनि को नीचे से खाना शुरू किया और कमर और पेट तक खा लिया। कैसे खाया होगा? खींच खींच के, जानवरों की आदत है ना, मांस का लोथड़े में मुंह दांत फंसाए, खींच के नस खींच खींच करके, हड्डियां काट काट करके और खींच खींच कर खाया। उन्हें ये नहीं लगा ये देह जल्दी छूट जाए तो कम से कम अपने को इसका ज्ञान तो नहीं होगा, फिर ये पूरा सही खा जाए हमें कोई चिंता नहीं, ये विकल्प नहीं आया, इसका नाम संभाव। संभाव ये नहीं लगता, और कब तक देह चलेगी पता नहीं, कब तक रोगी ये नहीं लगता, ध्यान रखना ये बहुत मामूली बात नहीं चल रही है। समाधि मरण के नाम पर आप दवाएं छोड़ सकते हो, समाधि मरण के नाम पर आप भोजन छोड़ सकते हो, लेकिन जब अंतिम समय में समय खिंचता दिखाई देता है तो अंदर ही अंदर लगता है अब लगते की बात चल रही है, या तो ये जल्दी छूट जाए तो ही अच्छा है,
और कभी कभी पछतावा आने लगता है, पछतावा, अरे अपन ने जल्दी पानी छोड़ दिया, अरे अभी तो शरीर टिक सकता था, अपन ने बेकार में दूध छोड़ दिया, अरे बेकार में दवाइयां और भोजन छोड़ दिया, अभी तो शरीर टिक सकता था। तो सुनो, जीने की आशा और मरने की जल्दी, कल पढ़ा था अपन पहाड़ में, जीने की हो न बांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, मुझे दोनों ही कामना नहीं है, किसका नाम संभाव, शरीर रह जाए तो रह जाओ और छूटे तो छूट जाए, क्या मेरा कुछ चलो अब क्या, अच्छा ये शरीर जल्दी छूट जाए, अब इस बूढ़े ठूढ़े शरीर में दम तो कुछ भी नहीं है, अपन शांति से छूटेंगे तो बढ़िया देव गति का अच्छा शरीर मिल जाएगा, यदि ऐसा विकल्प आया तो संभव नहीं है, है? कल कहा था नरकादिक के भय से और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से भी छोड़े तो भी वो सच्ची समाधि नहीं है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आप इस समाधि मंड में हमें भयभीत कर रहे हो, भयभीत नहीं कर रहे, समझ लेना भैया, ये जो चर्चा चलाई है हमने भयभीत होने के लिए नहीं, सावधान होने के लिए, ए जीत स्वरूप में सावधान हो ताकि ऐसा भाव होने का अवसर नहीं मिले, बल्कि इसके लिए मैं पहला ही दूसरा ही देने आज तो भी एक सलाह देना चाहता हूं आपको, कल हालांकि दी थी कि आप रोगियों को मिलो, मरने वालों को देखने जाओ, मरने वालों को यदि व्यापार भी छोड़ना पड़े, मालूम पड़ जाए कि एक आध दिन में प्राण निकल सकते हैं, तो आप अपना व्यापार छोड़ दो, आप अपना भोजन पान की सुविधाएं छोड़ दो, और 150-250 हजार रुपया यदि लग भी जाए तो लगा करके एक मृतक के नजदीक रहो, ये सलाह क्या कह रहे हैं, उस मृतक के नजदीक रहो जो जल्दी ही मरने वाला है, तब आपको लगेगा कि इसके चेहरे पर क्या बीत रही है, इसके परिणामों में क्या बीत रही है, और यदि ऐसे प्रसंग हमारे बने तो क्या होगा। देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, आचार्य परमात्मा संघ सहित यदि साधु का छपक का मरण होता है, समाधि होती है, तो सब अपनी सामायिकता छोड़ देते हैं, स्वाध्याय छोड़ देते हैं, आवश्यकता पड़ जाए तो आहार की चर्या छोड़ देते हैं, लेकिन उस छपक के निकट रहते हैं, क्यों क्यों रहते हैं, सामय क्यों छोड़ देते हैं, सटावश्यक क्यों छोड़ देते हैं, और उस छपक की सेवा क्यों करते हैं। ऐसा लिखा है, करोड़ों शास्त्रों का सार पढ़ना हो तो मृतक के नजदीक रहो, क्या कहा, तुम्हें यदि देहों के प्रति व्यक्ति सावधानी, किसको कहते हैं मृत्यु का भय, किसको कहते हैं मृत्यु की पीड़ा, और किसको कहते हैं मृत्यु की सावधानी, यदि तुम्हें प्रत्यक्ष करना हो तो छपक के नजदीक रहो, अर्थात जो मरणासन्न है उसके नजदीक रहो। देखो मैं बहुत एंगल छूंगा इस, मैंने पूरी चर्चा चलेगी, आप इसलिए आज के प्रसंग में जो कह रहा हूं, कम से कम अपने माता पिता हों, अपने रिश्तेदार हों और अपने मित्र हों, तो आप यदि मरणासन्न हो, रोगी हो, तो उनकी सेवा करने में यदि सावधान रहोगे तो आपकी समाधि हो सकती है, एक एक तरीका तो ये बताया। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले हम ऐसा प्रयोग करते थे, विचारते थे, इसलिए आपको कहते हैं, कभी आपको बहुत प्यास लगती है, वेदना सही नहीं जाती, और तब आप नियम तोड़ देते हो, अरे अब ध्यान दे भैया प्राण निकल गए तो फिर क्या हुई है। सुनो, अब विचार करो कि यदि हम जंगल में पड़े होंगे और पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम, यदि हम रेलगाड़ी में एक्सीडेंट के शिकार हो गए और हमारे अंग कट गए और हम एक खाई में पड़े हों, एक वृक्ष में पड़े हों, एक सड़क पर बिलख रहे हों, खून बहता जा रहा हो, उड़ते नहीं बन रहा है, और जब भी कभी घटना घटती है घायल होने की, तो सबसे पहली घटना घटती है प्यास की, एकदम और सूखते हैं, जिब्बा सूख जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोलते बनता नहीं है, उस दृश्य की कल्पना करो, तब तुम अंग्रेजी दवाइयां लोगे कि नहीं लोगे, तब तुम पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, छना पियोगे कि अनछना पियोगे, और क्या फिर अभी से विचार कर लो, यदि तुम्हारे अंदर से बल आता हो कि चाहे देह जाए तो जाए, ऐसी देह अनंत बार जा चुकी है, अब की बार मेरा संयम नहीं हारेगा, यदि इतनी ताकत पैदा कर लो तो समझना कि आपकी समाधि की तैयारी चल रही है, क्या कह रहे हैं, तो समझना हमारी समाधि की तैयारी चल रही है, और यदि आपको लगता है कि मैं इस संकट की अवस्था में तो भैया मेरी बस की नहीं है, इस रेल एक्सीडेंट में, इस मकान जल जाने में मैं जल जाऊं तो, और ऐसी पीड़ा हो जाए, जो भी आप कल्पना करना, मैं तो
कल्पना के लिए छोड़ दिया। हम तो रेलगाड़ी में जाते हैं, बस में तो हम सोचते हैं, कभी अखबार पढ़ते हैं एक्सीडेंट का पूरा दृश्य पढ़ते हैं पूरा। हम आपको भी सलाह देते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ो तो और डिटेल में पढ़ो, अखबार में पूरी न्यूज पढ़ो। मैं तो कहता हूं टेलीविजन वैसे मत देखो, लेकिन मालूम पड़ जाएगी आज एक्सीडेंट का दिखाने वाले हैं तो जरूर देखो। देखो बिखरे हुए हाथ पैर टुकड़े, किसी की नाक कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी के कान फूट गए, किसी का सिर टूट गया, हाथ पैर टूट गए। देखो क्या अभी क्या अभी अभी इतनी बुरी स्थिति है, लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, चाय पीते जाते हैं, भोजन करते जाते हैं, हंसते जाते हैं, गप्पे लगाते जाते हैं, ज्यादा हुआ तो सरकार को कोसते हैं, ज्यादा हुआ तो ड्राइवर को कोस देते हैं। रुक जाओ, हमें समरसी भाव, हमें ड्राइवर कोसने से काम नहीं चलेगा, हमें सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, हम तो अपना पहलू अपना प्रयोजन साधो। उसमें मैं होता तो क्या होता, उस घायल अवस्था में मैं क्या करता। देखो अभी अभी समाधि मरण कल तक कैसी लग रही थी चर्चा कि पंडित जी हमें भी हो जाए समाधि मरण, लेकिन देखो जे है वास्तविक हालात, लगवा हो तो क्या होगा। सोचो सर एक आध दिन नकली आधा घंटे की प्रतिक्रिया कर लो, नकली आधा घंटे की, कि अभी आधा घंटे तक हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, मेरे सारे शरीर में लगवा है, इस तरह हम पड़े रहेंगे। अब देखो बीच में आधा घंटे में खुजाल चल रही है, और खुजाना नहीं है, खुजा सकता ही नहीं हो तो लगवा है मेरे को है। आधा घंटे में बाथरूम आ रही है, पीने की इच्छा हो रही पानी, अथवा भोजन की इच्छा हो रही है, अथवा करवट बदलने की इच्छा हो रही है, लेकिन कोई आकर करवट बदलवा तो ही बदला ही, हम तो बदल ही नहीं सकते। करके तो देखो आप जरा। देखो एक बात और भी मुझे याद आती है, ये समाधि मन का प्रसंग क्यों ले रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। यदि बुद्धिपूर्वक हमने संयम पूर्वक मरण नहीं किया, सावधानी पूर्वक मरण नहीं किया, अर्थात देह नहीं छोड़ी सावधानी पूर्वक, तो असावधानी पूर्वक अनंत मरण हुए हैं। देखो जानवरों की हालत देखो, त्रियांश गति नरक गति देखो, जाकर नरक गति में क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है त्रियांश गति, मनुष्य गति में जाकर देखो आज आदमी क्या हालत हो रही है आप देखो। मैंने कुछ पता नहीं, एक मिनट पहले तक जो लड़का अपनी माताजी से गप्पे लगा रहा था, बातचीत कर रहा था, दो मिनट बाद उसका दिमाग सनक गया और उसने अपनी मां को गोली मार दी परसों नरसों, और स्वयं को गोली मार ली। दो साल पहले शादी हुई थी, पत्नी विधवा हो गई, स्वयं मर गया, मां को मार डाला। क्यों मार डाला कुछ खबर नहीं, अब कैसे हालात घटे होंगे जरा देखना जरा। ऐसे एक नहीं अखबार पढ़ो तो रोज बैराग के समाचार है, लेकिन अब हम इतने दुष्ट चित्त हो गए हैं, हमारा इतना कठोर हृदय हो गया है कि वे समाचार भी हमें क्योंकि बेचारे ही नहीं करते। हम आज आपसे प्रेरणा करते हैं कि आप इन बैराग के प्रसंगों को विचारना, अनुभवना, पढ़ना, चिंतन करना बिल्कुल मत छोड़ो। देखो भाई यदि सचमुच आप समाधि चाहते हो तो बात चल रही है, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्या है, तो क्या कहें, शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कुत्ते की मौत मर जाना ये कोई जैनियों की शोभा नहीं है, तड़प तड़प के प्राण दे देना ये कोई शोभा नहीं है, ख्याल में आया भैया। तो इसलिए अब हमारे संयम की हार नहीं होनी चाहिए, अर्थात समरसि भाव समाधि। देखो बहुत सारे प्रसंगों की चर्चा बाद में भी करेंगे हम, अभी तो इतना सा याद दिला रहे हैं। समरसि भाव का मतलब शुरू में तो आत्महित की दृष्टिकोण से समाधि करने की भावना थी, बाद में दो चार से लोग आए और बड़ी प्रसिद्धि करने लगे, प्रशंसा करने लगे, धन्य भैया धन्य तुम्हारी समाधि। अब ये बताओ कि ऐसा सुनते सुनते तुम्हें क्या लगने लगा, थोड़ी देखो और सार्थ की बात, क्या लगने लगा, एक बात है भैया तुम जैसी समाधि तो आज तक कोई की नहीं भाई, ये शब्द सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा, अरे अभी सोच लो अभी कैसा लगेगा, इस समय बहुत अच्छी समाधि चल रही है तो लूटने वाले आएंगे, लूटने वाले कैसे लूटेंगे, तुम्हारी प्रशंसा कर करके, ए भैया तुम्हारी समाधि जैसी तो समाधि नहीं सुनी, वे भी कह रहे थे, फला महाराज जी भी कह रहे थे, फला आचार्य जी भी कह रहे थे, ऐसी समाधि आज तक हमने श्रावक की नहीं देखी, ऐसी तुम्हारी हो रही। अब ये वाक्य सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा, अब समरसी भाव तो इसका नाम है, चक्रवर्ती बंदे कि इंद्र वंदना करे कि प्रशंसा करे तो भी मैं उस प्रशंसा पर मोहित नहीं हूं, आत्मा इतना अच्छा दिखाई दे, देखो आत्मा इतना अच्छा दिखाई दे वो आश्रय करने लायक लगे तो समरसी भाव है,
और नहीं तो ख्याति लाभ में चले गए। लड़के पूछेंगे, लड़के अब देखो ये तो मैं अपनी तरह से कृत्रिम बना रहा हूं, आप क्या हो सकता है ऐसा, देखो हो सकता है। लड़के पूछे, माताजी आपकी समाधि बहुत पवित्र हो रही है, हमारी भावना है आपकी समाधि मूर्ति कछु चरण चिन्ह आपके, उस समय आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा है? अभी तो अभी अभी हंसने की बात नहीं, ये बहुत आप ठगाओगे कि नहीं ठगाओगे ये हम परीक्षा ले रहे हैं। देखो जिसको एक आत्मा की कीमत आई वो कहेगा, बेटा इन चीजों में कोई दम नहीं है, तुम ज्यादा से ज्यादा पुद्गल के प्रतीक बनाओगे लेकिन काल की आंधी में सब मिट जाएंगे, तुम अनादि निधन मेरे तत्व की विराधना करने की चेष्टा मत है। एक तो ऐसा कहेगा, और एक कहेगा कि बेटा अब तुम भी भक्ति है, तुम चाहो तो करा ले। देखो ठगाने के अवसर, देखो समसी भाव की जो बात चले ना उसकी बात है, है? कि पिताजी हम आपकी फोटो छपा के किताबें निकलवा दें, कैलेंडर छपा दें, सब जगह कैलेंडर वितरित करवा दें, क्या लगेगा बताओ? मेरी फोटो मंदिर मंदिर घर घर लगाए जाए तो मुझे कैसा लगेगा, सोचो जरा। ये तो सोचो, अभी आपको अवसर नहीं आया लेकिन आ जाए तो क्या होगा है? देखो एक बात है, जो बातें दूर से विचारने में अच्छी लगती है ना, कदाचित उसको अंदर से विचार करो, प्रैक्टिकली जब हमारे ऊपर घटती तब तो है हमारी परीक्षा। बोलो, जैसे एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दूं, इस क्यों बेईमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आदमी को? आदमी को बेईमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? अभी कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं अमानत के बतौर, या मंदिर का कोषाध्यक्ष बना दूं, या समाज की किसी सोसाइटी का अध्यक्ष बना दूं, और वो पैसे रखने की जिम्मेदारी आपकी, जमा करने की जिम्मेदारी आपकी, निकालने की आपकी, और कोई आपसे नहीं पूछे, अब धीरे धीरे अपने परिणाम टटोलो। नहीं ईमानदारी बात, अब परिणाम टटोलो जरा, पहले धीरे शुरुआत क्या परिणाम बाद में मिला देंगे, जामे अबे तो जरूरत है तो 5,000 दे जाएंगे, फिर बाद में 5,000 मिला देंगे, धीरे 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 अब परिणाम कैसे चूकते हैं बताओ? नहीं आप प्रैक्टिकल बात है, अभी हम पे पैसा नहीं है तो हमें पैसे की कोई आसक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस दिन हमें सामग्री मिल जाए उस दिन क्या होता है? अभी हमें कोई सा व्यंजन का नाम ले तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन जब सामने आ जाए तो क्या लगता है? बोला देखो, अभी हम इसकी चर्चा तो बहुत विस्तार से करेंगे, जिनवाणी की चर्चा है ना, समाधि मरण की, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और मैं कोई एक एक पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, अभी तो चाहे वो ये समझ लो कि उसका छोटा छोटा हिस्सा दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जीतना तो यही समस्या है ना, मूल तो यही, ये थोड़ी हमने कथा कर दी और आप गए कि हाँ ये ठीक है। बोला मैं अक्सर पूछा करता हूं, तुम कहते हो चोरी करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए ना चोरी, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, 1 महीने तक एक बूंद पानी नहीं मिला हो पीने के लिए, और कहीं ऐसा प्रसंग पड़ जाएगा ये सामने रोटी और पानी रखा हुआ है, आपको क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? मैं कहता हूं अच्छे अच्छे जैनी, अच्छे अच्छे त्यागी, आखिरकार एलोपैथी खाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये परिणाम कहां से चूक जाता होगा? पहले हम कहते थे इसमें अंडा है, इसमें मांस है, इसमें शराब है, और अब ऐसी कौन सी विचित्रता जाती है कि अब क्या करें पंडित जी, ले लेते हैं, चला लेते हैं। हम एक बात पूछते हैं आपको, मांस खाना चाहिए आपको? खाना चाहिए? अच्छा कब नहीं खाना चाहिए? मान चलो 1 साल तक आपको एक रोटी का कण नहीं मिले तो मांस खाओगे? नहीं खाएंगे ना? अब मैं पूछता हूं, संयम को छोड़कर इतने 25 साल 50 साल का संयम, 50 साल की स्वाध्याय, 50 साल की देशसास गुरु की भक्ति, और एक थोड़ी देर के लिए देह को रखने के लिए हमने अवक्ष भक्षण कर लिया, मांसाहार की दवाई खा ली, गलत इंजेक्शन ले लिया, तो मैं पूछता हूं तुमने 50 साल हार गए? क्यों एंड टाइम पे ही तो बात थी, परीक्षा तब तो हुई थी, वैसे तुम नहीं खाते थे, लेकिन अब एक तन की ममता में खाया कि नहीं खाया? ये तो एक दृष्टांत दिया, अभी दृष्टांत, ये तो अभी विचार करना हो। देखो त्याग करा नहीं रहा हूं मैं आपको,
लेकिन आप पहले ताकत तो पैदा करो। कई लोग कहते हैं, कई लोग, पंडित जी हमने 10 साल से 5 साल से एलोपैथी का त्याग कर दिया। मैंने मरते समय उसने कहा, पिताजी अब आप अपनी समाधि करो, शांति से देह छोड़ो, आप छोटे भाई के प्रति द्वेष मत रखना, मैं उसको बराबरी से सोना चांदी हीरा मकान जो भी है सब बराबरी से बंटवारा दूंगा और प्रेम से रखूंगा। लेकिन वो पिता को प्रिय नहीं था। ईमानदारी बताओ, वो मरने के पहले क्या करेगा? आप बताओ, देखो समरसी भाव की बात चल रही है। ये ऐसे प्रैक्टिकल घटना है कि ये जी समाधि से चूक जाता है। और हम तो एक बात कहते हैं, अब फिर सोचो अच्छी तरह, फिर शांति सोचो, जब हम जा ही रहे हैं तो जो परिणाम जिसके भाग से होना है तो हो, ओ हमें कोई मतलब नहीं है। तुझे बांटना है बांट दे, तुझे देना हो दे दे, छोड़ना हो छोड़ दे। देखो अभी मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, हालांकि समरसी भाव के नाम पर अभी चर्चा ज्यादा कर ली मैंने। यदि असली समरसी भाव हो तो परिग्रह परिमाण इसीलिए कहा गया है, परिग्रह परिमाण, कि बेटा आज से हमने हिस्सा बंटवारा कर दिया, अब तू अपनी संपत्ति को चाहे समुद्र में धकेल दे और चाहे खूब कमा, आज से मेरा ममत छूट गया उससे, और मेरी जितनी सामग्री है उसकी बसियत यह है कि मेरे अनुकूल, मेरी भावना के अनुकूल, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे अनुकूल परिचर्या में लगेगी, और मेरे बाद वो या तो ज्ञानियों के समागम में, ज्ञानियों की सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए, साधना के लिए, त्यागियों की साधना के लिए, मंदिर में आराधना के लिए, तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए, और तत्व ज्ञान की प्रभावना ऐसे शिविरों के लिए काम आएगी। अरे ईमानदारी होता, ईमानदारी से अब देखो, अभी सोचना, ये परिग्रह का ममत्व हमें संभव नहीं करने देता। बेटा 5-5 लाख तुम सवे दे दे, अब 1 लाख बचे भी हमरे। अच्छा पिताजी ठीक है, अब मरणोपरांत। हाँ भाजी देखो आ गए कि मरने के बाद क्या करोगे 1 लाख का? देखो देखो इससे अब तुम्हारी समाधि नहीं हो सकती। देखो बिल्कुल, अब आपको लग रही होगी समाधि बहुत कठिन है। असल में अभी तक समाधि कैसे समझते थे कि 10-25 लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, जिसका मैं निषेध करूंगा बाद में निषेध करूंगा। 10-25 भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने पाठ सुनाना शुरू कर दिया, नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो वाय। समाधि हो रही है? ये चिल्ला चौंट में समाधि होती है? ये बड़े बड़े पाठ सुना देने में समाधि होती है? आप ईमान देव सुनो, हालांकि सब चर्चा में बाद में करूंगा, अभी ये तो समरसी भाव के नाम पे अभी चर्चा इतनी आ रही है। एक काम करना, आप जिस दिन आपका सिर दुख रहा हो उस दिन बेटे से कहना, बेटा छेड़ाला सुनाना, जरा विनती सुनाना, भक्तावर सुनाना। और आपका सिर दुख रहा हो और वो स्तुति सुनने में कितना उपयोग लगता है, कितना उसमें से पकड़ पाते हो, और फिर कितना उपयोग डाइवर्ट होके आपका सिर दर्द भूलते हो, कम तो क्या होगा भूलते हो, और कितना उपयोग शांत होता है, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। अब आप सोच लो कि मरते समय जो लगातार हम पाठ सुनाते हैं लगातार, उससे उसको क्या लाभ होता होगा? सोचना ये प्रैक्टिकल, माने इसलिए फिर कह रहे हैं, इस समाधि मन की जो चर्चा अपन ने उठाई है इसमें आपको अभी तक कि मैं तो यही समझता हूं कि जीवन की अद्भुत चीज है जो आपके सामने हम उठा रहे हैं। तो ऐसे समरसी भाव की चर्चा बहुत विस्तार से अभी करेंगे, अभी तो समरसी भाव का थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं स्वाद दिया है थोड़ा थोड़ा, कि वास्तव में समाधि कोई अद्भुत पुरुषार्थ की चीज है। इसे हंसी खेल समझ करके ऐसे नहीं होगी, लेकिन कुछ सुझाव आज दिए हैं। बीमारी के समय में सुनना पाठ आप करना, प्रैक्टिकल में बीमार लोगों को देखना और परिचर्या करना, और अपने माता पिता की समाधि कराना पड़े, यानी समाधि माने परिचर्या ही समझ लो आप, तो हजार काम छोड़ करके, लाखों का बिजनेस छोड़ करके भी यदि तुम उनकी परिचर्या करोगे तो तुम जो करोड़ों शास्त्रों का सार है वो ऐसे सीख जाओगे देखते देखते। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बोला, ये जरूर करना ये बात। तो समरसी भाव का नाम समाधि है। अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तो इसका विस्तार करेंगे समरसी भाव का तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुल बात इतनी है, आत्मा का आश्रय करके जो संभाव प्रकट हो उसका नाम असली समाधि। अच्छा, अब संलेखना नाम मिलता है, एक क्या मिलता है हमारी जिनवाणी में
संलेखना, संलेखना शब्द सत प्लस लेखन, और एक संधि का नियम है कि अगला में जैसे ला आया है तो ता का ला बन जाएगा संलेखना। सत लेखन, सत माने सम्यक प्रकार से, और लेखन माने, अब लेखन शब्द का अर्थ चिकित्सा शास्त्रों में आयुर्वेद में लेखन कहते हैं छील छील कर नष्ट करना, छील छील करके क्रश करना, समाप्त करना, है ना, जड़ी बूटियां पेड़ वगैरह हो ना, ऐसे छील छील कर उन्हें समाप्त करते हैं, ऐसे एकदम समाप्त नहीं करते, ध्यान रखना, छील छील कर, लेखन माने छील छील करके। तो सत लेखन का क्या अर्थ हुआ, सम्यक प्रकार से अर्थात आत्मस्वरूप को जानकर, सम्यक प्रकार से मैंने आत्मस्वरूप को जानकर, आत्मा का आश्रय करके सम्यक दर्शन पूर्वक क्रम क्रम से, क्रम क्रम से कषायों को छीण करना, कषायों को जीतना, कषायों को कम करना, इसका नाम संलेखना। ये आदि परिभाषा हुई, कषाय और काया को क्रश करना, एकदम नहीं कि ठीक है अब 2 महीना 6 महीना तक कौन पीछे पड़ा रहा है, हमने तो बिल्कुल पानी वानी सब छोड़ दिया, एकदम ऐसा नहीं, क्रम क्रम से काया को क्रश करना, क्रम क्रम से, और क्रम क्रम से कसायों को क्रश करना। इसमें बहुत मार्मिक शब्द है कसाय, जिसकी चर्चा में कल और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की, कसाय की, किसी भी प्रकार की कसाय, चाहे वो परिग्रह का लोभ, धन का लोभ, दुनिया का ये ख्याति का लोभ, ये कसाय कम हो, इस बारे में समझ गए होगे, अभी कहा था ना ख्याति है, तो किसी भी प्रकार का क्रोध, क्रोध क्रोध, अब क्रोध का एक दृष्टांत दे रहा हूं, थोड़ा सा थोड़ा क्रोध का दृष्टांत दे रहे हैं, समझ लो माताजी 80 साल की और घर में 5 साल से बिस्तर पे पड़ी है, ध्यान से सुनना, यदि वे सम्यक दृष्टि होंगी तो उन्हें क्या होना चाहिए, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो क्या होगा, ये बता रहा हूं आपको, ये बात पक्की है कि 5 साल तक लगातार दिन रात सेवा करके बहुत थक जाएगी, बेटा थक जाएगा, पैसा खर्च करके भी थक जाएगा, नहीं आखिर कब तक सेवा करें, तो करेंगी तो सही लेकिन उपेक्षा से करेंगी, ध्यान से सुनना जरा, उपेक्षा से, कहे दूध पीने, कहे ये तुम्हें मौसम भी चाहिए, देखो ये प्रैक्टिकल बात है, उपेक्षा अनादर पूर्वक, अब चिल्लाओ मत, अब तक शांति पकड़ो, दिन रात तुम्हारे पीछे लगे रहे, एकदम प्रैक्टिकल घटना घटेगी आप देखना। अब सम्यक दृष्टि क्या करेगी महिला और मिथ्या दृष्टि क्या करेगी, कि उसे क्रोध आ जाए यहां पर बहुओं पर, कि हमने लाखों की जायदाद इन्हें काहे के लाज दी है, लड़कों के लिए क्या किया है हमने, ये तमाम, यदि उसे क्रोध की उत्पत्ति हो गई तो उसकी समाधि बिगड़ गई, और वहीं यदि वो भेद विज्ञान करेगी क्या करें हमने भी किसी की सेवा नहीं की होगी तो हमारे को कोई सेवा करने वाला नहीं मिला, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है, एक नंबर, दो बहू की योग्यता ही ऐसी है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, ए भाई एक 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 क्रमबद्ध है, अब लगाओ क्रमबद्ध, एक द्रव दूसरे का कर्ता धरता नहीं है, इस बहू का कोई दोष नहीं, ऐसे संभाव पूर्वक समाधि करे तो कसायों को छीण किया। अच्छा सही बताओ, कसाय के प्रसंग आए और अपन भेद विज्ञान करके कसाय को जीते, ये अच्छा है कि घर में कसाय का प्रसंग नहीं आए, प्रतिकूलता आए ही नहीं और हम शांति से मर जाएं। अरे क्या चाहते बोलो, क्या चाहते बोलो, नहीं जी तो कोई बात नहीं जो है? हाँ देखो अपनी भावना तो यही है कि प्रसंग नहीं आए, लेकिन मैं सोचता हूं पुरुषार्थी ये कहेगा कि प्रसंग आए तो आए, मुझे कोई परवाह। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, यदि ख्याल हो, ए ध्यान से सुनो, पिछले 2 साल पहले मैं इसका इशारा कर गया था आपको, आप सुनना फिर से वो बातें, मैं फिर याद दिलाता हूं आपको, ज्ञानी अपने जीवन में ये भावना नहीं करते कि हे प्रभु मरते समय ऐसा ना हो जाए, वे ये भावना भाते हैं प्रभु मेरे में इतनी भेद विज्ञान की सामर्थ हो, मेरे इतना पुरुषार्थ हो कि कैसा भी प्रसंग बने लेकिन मुझे उन्हें अनुकूल बनाने की चेष्टा ना हो, फर्क पड़ गया कुछ, एक तो यह है कि भगवान मरते समय रोग ही ना होए, एक यह है कि रोग हो तो भले हो लेकिन रोग के काल में मैं भयभीत ना हो,
अपनी प्रतिज्ञा से डिगू नहीं, अपने भेद विज्ञान से चूकू नहीं, अपने आत्मा के साहस को छोड़ू नहीं। एक ऐसी भावना है, बोलो कौन सी करना है? फिर से सुन लो, पाप के उदय में रोग तो 99% आएंगे, ये तो मैं समझता हूं वृद्धावस्था में कंपल्सरी गिफ्ट है आखिरी। क्यों? कि शरीर असमर्थ होगा, कहीं गुर्दे खराब होंगे, कहीं आंख खराब होगी, कहीं कान खराब होंगे, कहीं पेट आमाशय खराब होगा, मैंने कुछ ना कुछ तो बहुत हो गई। बहुत आप, अच्छा आप तो एक बात और है, समझदार वे नहीं है कि जो ये सोचे कल आफत नहीं आई, समझदार तो ये तैयारी करके चलते हैं कि आफत आई नहीं। अपन क्या करते हैं, क्या है? मान चलो अब आपका इलाका तो फिर भी शायद अच्छा ही होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये शिवपुरी हुआ और इधर जी तुम्हारा जी इधर का मुरैना है, भिंड है, जी बड़े इलाके खराब हैं, तो आदमी यदि रात को एक तो जाता ही नहीं है, और जाए तो कि ये मान के चलो कि आ गए तो क्या करेंगे अपन, तो तैयारी करके जाता ही, ऐसा नहीं सोचता कि अपन तो यही मान लो नहीं आएंगे। तो समझदार वे जो पहले ही मान के चले कि संकट तो आएगा, हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आप पहले ही सोच लो अच्छी तरह से आज से कि बंगे खराब रहेंगे उस समय, पहले सोच लो। नहीं गलत कह रहे हैं, अरे आप आशा ही क्यों करते हो, आप पहले ही मान के चलो कि हमें तो प्रतिकूलता मिलेगी, आप पहले ही मान लो कि शरीर पूरा खराब हो जाएगा, अब बोलो तुम्हें समाधि करना है कि नहीं, क्योंकि जो संकटों में समाधि कर सकता है वो सुविधाओं में तो कर लेगा, लेकिन जो सुविधाओं में कर सकेगा वो संकटों में नहीं कर पाएगा। अभी अभी सब चर्चा हालांकि आएगी आगे, ग्रंथों में ऐसा लिखा है जो सुविधाओं में धर्म साधते हैं वो संकटों में एक फौरन शिथिल होकर विचलित होकर छोड़ देते हैं, पक्की है बिल्कुल, लेकिन जो संकट अर्थात शरीर के सुविधा भोगी नहीं होते हैं, सुखिया बुद्धि के आदि नहीं होते हैं, उनकी समाधि नियम से होती है। तो फिर से कहता हूं, बोलो आप क्या करना है आपको, आप तो पहले ही मान लो रोग होगा तो हां प्रभु होने दो, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु मैं रोग के काल में रोग से हारू नहीं, अपने संयम को छोड़ू नहीं, अपने भेद विज्ञान को छोड़ू नहीं, मैं अपने पुरुषार्थ से चूकू नहीं। बोलो क्या चाहती हो, अंतिम समय में नमुकार मन सुनाने वाले मिले कि नहीं मिले, बोलो क्या चाहती हो? देखो मिल जाए तो उपेक्षा नहीं, मिल जाए तो उपेक्षा नहीं, नमुकार मन सुनाने वाले मिल जाए तो उपेक्षा नहीं, लेकिन नहीं मिले तो ये अपेक्षा भी नहीं है कि वे मिले। लेकिन भगवान मैं तो ऐसी भावना भाता हूं कि अंत समय इतना सुंदर हो कि नमोकार मंच कोई सुनावे कि नहीं सुनाए, लेकिन हमें सुनने की भावना ही ना रहे। क्या तैयारी करना है, पकड़ में आ रहा कुछ पॉइंट? अंतिम समय में ऐसी तैयारी रहे मेरी कि सुनने की दरकार ही नहीं रहे। अबे इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कान ठीक रहेंगे, नहीं दे सकते गारंटी, इतनी तैयारी कर लो कि अंतिम समय सुनने की भावना ही नहीं रहे। देखो ये असली क्यों ऐसा नहीं लग रहा है, फालतू बातें हो रही हैं क्या? ये सोचना, ये तो क्या हर आदमी को सोचना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अरे रे, इसका नाम समरसी भावा। अब अभी से तैयारी नहीं होगी तो एंड टाइम पे तो किल्प हो गई और कुछ नहीं है। ए भैया हमने कच्चू पानी अकेलो रखो वो तक नहीं पिला सका जी लोग, तुम किल्पे तो किल्पे तो अब तुम्हारी तो बिगड़ गई, अब उसकी तो जोर कोई बात नहीं है बेटा। देखो क्या कहें, सही में हमने ऐसी ऐसी समाधि भी पढ़ी और सुनी है कि माता जी समाधि में है, पीड़ा भी है, लेकिन जब जब बहू पास आई, बेटा तू कब तक हमारे चक्कर में रहेगी, ये दे तो छूटना छूट ही जाएगी, तू चिंता मत कर हमारी, तू बेटा दिन भर काम में लगी रहती है, बेटा अब तू भी थोड़ा आराम कर ले, माता जी आपका गला सूख सूख जाता हुआ, डॉक्टर कहता है हर घंटे में पानी देना है आपको, अरे बेटा पानी से कछु नहीं होना, तू रहने दे आराम कर, कहां तक भाई कि घंटा में परेशान होएगी, दो चार बार पी लिया यही बहुत है, माने तुम इतने निरपेक्ष बनो और तब तुम्हारे पुण्य का उदय आएगी, बहू हाजिर खड़ी रहे माता जी माता जी माता जी, होता उल्टा है। कि खुद को इतनी चिड़चिड़ाहट है बीमारी की और तैयारी करी नहीं, समरसी भाव की तैयारी नहीं करी, क्या करें, तैयारी नहीं करी तो चिड़चिड़ाहट तो होती है, बात तो पक्की है। अब ऊपर से एक तो बेचारी पानी लाए कछु ला दे, वो धकिया दे ऐसे, हाँ रहने दे
बस अब तो प्राण ही निकल जाए तो तुम्हें शांति हो जाए। नहीं अब बता, एक तो विचारी कर रही, ऊपर से आपने ऐसे वचन और बोल दिए तो कितनी पीड़ा है। और इतना ही नहीं, और मान चलो ऊपर से कोई रिश्तेदार आ जाए उसी समय, और फिर वो कहेगी क्या करें पंड भैया, अब बस बहुत हो गई। माने उससे ये नहीं मालूम कि अपन ऐसा बोल रहे हैं तो अपने परिवार की कितनी बदनामी हो रही है उसमें। देखो अच्छी तरह समझ नहीं, ये छोटे छोटे इशारे इसलिए दे रहे हैं कि आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप सोचो कि बहू की उपेक्षा कर दें, तिरस्कार कर दें, तो तुम्हारी समाधि पक्के में बिगड़नी है। लेकिन यदि हम भेद विज्ञानी हों, समरसी भाव वाले हों, शांति रखने वाले हों, कसायों को क्रम क्रम से क्रश करने वाले हों, तो ये आकुलता नहीं होगी। इसलिए कसायों को क्रश करना नंबर एक, और नंबर दो काया को क्रश करना, अर्थात अब चूंकि अंतिम अवस्था है तो धीरे धीरे पहले भोजन छूटता है, फिर दूध लेते हैं, छाछ लेते हैं, क्रम क्रम से पानी लेते हैं, और जब देख लिया कि अब जरूरत नहीं है, तो अंत में पानी का भी त्याग होकर के शरीर क्रश हो जाता है, छोड़ देते हैं। इसका नाम संलेखन। चर्चा तो इसकी विस्तार से बाद में करेंगे, अभी तो अपन ने परिभाषा देखी थी। अभी देखो इसके कुछ थोड़ा सा महिमा और बता दें आज। एक तो घड़ी नहीं देती, हमें समझ नहीं आता टाइम, इधर इतनी मोड़ के थोड़ी देख सकते हैं। यहां लगाएंगे एक छोटी सी अलार्म, हम ले आएंगे कल से, यहां लगा दें तो एकदम देखना कठिन पड़ता है। चलो अभी टाइम है 5-7 मिनट। चलो अभी देखो, देखो भाई एक सावधानी की बात और बता रहे हैं, अभी इतनी चर्चा में डरना मत, और आप जो समझ गए हो तो उसे पालन जरूर करना। देखो भाई इसका फल और महिमा भी समझ लो आज, थोड़ा सा थोड़ी महिमा। सम्यक दर्शन सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन से भी कई गुना कठिन समाधि मरण है। क्या कह रहे हैं? क्यों कि श्रेणी को छायक सम्यक तो हो गया था। आहा, श्रेणी को छायक सम्यक तो मिल गया था। दो भव अने एक भव छोड़कर के दूसरे भव में मोक्ष में भी जाएंगे, पहले तीर्थंकर होंगे, साथ साथ महावीर भगवान के मुख्य श्रोता भी बन गए। इतना कुछ पाना सरल है, लेकिन समाधि मरण पाना दुर्लभ है। ऐसा बताकर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर बात है, इसे हम बड़े गंभीरता से चिंतन में लें और विचार करें। ख्याल में आया कुछ है ना? तो इस तरह से यदि इसकी महिमा देखना हो तो मूलाचार्य जी आदि के ग्रंथ में गाथा ग्रंथ में 46 पृष्ठ पर 54वीं गाथा में लिखा है कि जो समाधि मरण पूर्वक मरण करते हैं उनको 7-8 भवों में नियम से मुक्ति हो जाती है। बात समाधि की चल रही हो, मरण की नहीं। ए मरण और समाधि में फर्क है। समरसी भाव पूर्वक, देश विरक्तता पूर्वक, शांत परिणामों पूर्वक, आत्मस्वरूप में संतुष्ट होते हुए जिनका मरण होता है वे 7-8 भाव में नियम से मुक्ति को पाते हैं। ये फल लिखा है उसने, मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूं, बहुत मैंने आपको थोड़ा सा समर्पण के लिए। देखिए, ज्ञान एवं धन अपने को अजर अमर जानकर अर्जित करो। ज्ञान धन अपने को अजर अमर का मतलब हम कभी मरेंगे नहीं और कभी जन्मे नहीं है। इसका मतलब जिसके बिना हमारा काम नहीं चले, ऐसा ज्ञान धन तो खूब अजर अमर जानकर लंबे समय तक के काम आए, इतना कमाओ ज्ञान धन अर्जित करो। किंतु मृत्यु पीछे से चोटी पकड़े हुए है ऐसा जानकर धर्माराधना तत्काल करो। जगत में धन कमाना हो, थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं, ज्ञान और धन दो लिए ना, ज्ञान और धन। धन कमाना हो तब तो जैसे सोचो अपन अमर हैं, जब चाहे कमा लेंगे। क्या कह रहे हैं? पैसा कमाने की बात क्या सोचना चाहिए? अरे अपन अजर अमर है, जब चाहे कमा लेंगे। पैसे में क्या है? कौन आज ही मर रहे हैं तो पैसा आज ही कमा लिया जाए। तो ज्ञान तो प्रयोग की अपेक्षा से कि हम अजर अमर हैं, ऐसे ज्ञान अर्जित करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो है। और धन को भी ये जान करके कि हम आराम से कमा लेंगे, कोई अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, कोई धन कमाने के लिए अभी कुछ मर नहीं रहे हम, ऐसा सोचो।
लेकिन जब धर्माराधना की बात आए, आत्माराधना की बात आए, समाधि मरण की बात आए, तो यह विचार करो कि मृत्यु चोटी पकड़े खड़ा है। मतलब धर्म से तो अभी अभी धर्म से अभी मत चूको। धन तो कम चाहे जब कमा लेंगे, धन में क्या है, बहुत जिंदगी हमारी। ये नीति वाक्य, नीति वाक्य। फिर से ज्ञान और धन अजर अमर जानकर कमाओ, अजर अमर जानकर कमाओ, लेकिन धर्माराधना करते समय तो यह सोचो किंतु मृत्यु पीछे से चोटी पकड़े हुए है, ऐसा जानकर धर्माराधना तत्काल करो। हैं? समाधि मरण अर्थात अंतिम मृत्यु। परंतु सामान्य संसारी जीवों को तो समता स्वरूपी परमात्म स्वरूपी आत्मा में समाने का अंतिम अवसर, अज्ञानियों को तो दे छुट्टी है और ज्ञानियों को अंतिम अवसर है, अब आत्मा में समा जाओ, अंतिम अवसर है ना। चार गति में रुलते रुलते अनंत जीवों में से किसी बिरले जीव को यह भाव, क्या कह रहे हैं, किसी बिरले जीव को यह साधन मिलता है, ऐसा अवसर खोकर तो अनंत दुखों के दावानल में दुख भोगने से बचना असंभव है, कोई बचाने वाला, ऐसा अवसर पाकर। देखो अभी भी अपन सुन रहे हैं सब लोग, लेकिन कितनों लग रहा होगा कि अभी तैयारी हम करेंगे, तो विरल है ये बात। पहली बात तो आम व्यक्ति रोज देख रहे हैं, रोज कि हजारों आदमी पूरे दुनिया में एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सड़कों पर मर जाते हैं, रेल में मर जाते हैं, हवाई जहाज गिर के मर जाते हैं, आग लग जाती है घरों में, मर जाते हैं, जाने कितने लोग ऐसे प्रत्यक्ष मरते देखे जा रहे हैं, रोग से मरते देखे जा रहे हैं, लेकिन यह जीव विरक्त नहीं है, इसे लगता ही नहीं कि मेरी मृत्यु आने वाली है। स्टोप देश की शायद 16वीं नंबर की गाथा है, देख लेना, 15वीं या 16वीं स्टोप देश की, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। अपने लिए अपने लिए अपन मृत्यु से भयभीत नहीं है, खूब खाओ पियो ऐश करो, डर नहीं लगता हमको, उसका उसका दृष्टांत दिया। जैसे जलते हुए जंगल में कोई व्यक्ति वृक्ष पर बैठा हुआ हो, हरे वृक्ष पर, बीचों बीच हरे वृक्ष पर बैठा हो, चारों तरफ जंगल जल रहा है, और वह व्यक्ति यह कह रहा है, वो देखो बेचारा हिरण जल गया, वो देखो शेर मर गया बेचारा, ए वो आदमी दौड़ते दौड़ते मर गया, अरे दे दे, ए वो घोड़ा फंस गया, अरे दे दे, वो चिड़िया मर गई, अरे दे दे। तो ऐसा तो कर रहा है, लेकिन वो यह नहीं समझ रहा है कि चारों ओर से जलता हुआ जंगल आते आते तुझे भी जला देगा। ये दृष्टांत दिया हुआ है ग्रंथ में। अब ईमानदारी से आप समझ गए हो तो अपने ऊपर तो जरा विचार करो, सचमुच हमें लगता है, हम बड़े हंसकर कहते हैं ए आज भी फलाचंद जी गुजर गए, आज भी उनकी फला की बाई गुजर गई, और आज भी, लेकिन आपको कभी लगता है कि हमारा, फिर से सुनो, इसीलिए कहा था समाधि मरण का विचार किसी विरल प्राणी को आता है। हालांकि मैं जानता हूं अभी इतने लोगों सुना रहे हैं तो जरूरी नहीं सबके सब तैयारी में लगे ही जाएं, हालांकि हमारी भावना तो यह है कि हम में से प्रत्येक की समाधि हो, भावना तो जिंदाज यही भाव, इसके सिवा कोई दूसरा तरीका। और देखो मैं आपको सच कहूं, यदि आप में से कोई को भी यह लगे पंडित जी हमें तो समाधि मरण कठिन है, असंभव है, तो आप हमसे पूछना मत भूलना, आप हमसे जरूर चर्चा करो, हम आपको सरल और सुगम करने की पूरी चेष्टा करेंगे। फिर से सुन लो, अभी जो अपनी एक महीना चर्चा चलेगी ये बिल्कुल किताबी ज्ञान नहीं होगा, आपने आज चर्चा समझ ली होगी, आज की चर्चा में कोई किताबी ज्ञान नहीं था, अपन बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, और हम चाहते हैं कि एक बार किताबें और शास्त्र और ग्रंथ भी पीछे रह जाएं, हम इतना प्रैक्टिकल अपने जीवन को सामने रख के विचार करें कि हमारे जीवन में समाधि होगी कि नहीं होगी, और फिर आपको लगे कठिन है तो अपन चर्चा करें, ठीक है। अच्छा, समाधि परम आनंदमय है, मात्र शरीर की कष्टा रूप नहीं वरन कसाय, मूल तो कसायों को जीतना है, हो है ना, यह आत्मघात नहीं अपितु आत्म जागृति का प्रतिफल है, ये आत्महत्या नहीं है जी, आत्म जागृति, मरते समय भी जागृति, इसका प्रतिफल है समाधि। देखो एक छोटी सी बात और याद आई है, मरते समय यदि बेहोश नहीं होना चाहते हो तो समझो इस बात को, हालांकि इसके विस्तार से चर्चा तो आगे आने वाले समय में करेंगे हम, कि
क्यों जी बेहोश होकर मरता है आज? और बेहोश होकर मरने वाले में से 99% तो एक इंद्री में चला जाता है। क्या कह रहे हैं? एक इंद्री समझते हैं? हवा, पानी, पेड़ पत्ता, अग्नि चला जाएगा, खदानों में चला जाएगा, इतनी बुरी दशा हो जाएगी। यदि आप सावधान चित्त से मरना चाहते हो, मैंने अंतिम समय में सावधान, आत्मा में सावधान, तो अब इसकी अभी आज नहीं बता पाऊंगा, ये बात थोड़ी लंबी चर्चा है, थोड़ी सी आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। यदि आप होश में जीना और होश में मरना चाहते हो अंतिम समय में, तो आप उन सावधानियों को जरूर पालो। खास तौर से बेहोश होने की कामनाएं मत करो कभी भी। बेहोश होने का मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ी पीड़ा आई, डॉक्टर साहब सहो नहीं जा रहा, इंजेक्शन लगा दो। अच्छा, इंजेक्शन लगा दिया तो शून्य हो गया वो, तो क्यों? जे भी तो बेहोशी है और क्या है जी? जरा सिर दर्द हुआ, एनासेन, अरे मर गए एनासेन। अरे थोड़ा सिर दर्द होने दो, होने दो थोड़ा सिर दर्द। समझ आया कुछ? मैंने अपने को बहुत जल्दी गाफिल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सहनशील होना चाहिए। अब इतने इशारा कर दिया इसमें, बाकी इसकी विस्तार चर्चा बाद में करेंगे। अंत समय हमें सावधानी पूर्वक दे छूटे और फिर अनंत काल के लिए दे छूटे, ऐसी तैयारी हम इस समाधि मंडल में करें, ऐसी भावना से अपनी ये चर्चा चल रही है। अब कल हम आपको मरण के भेद प्रभेद और समाधि मरण के भेद प्रभेद, इनमें दिगंबर मुनिराजों का कैसी समाधि होती है, इसकी चर्चा कर लेंगे। अभी तो समय हो गया है लगभग, है ना, कल करेंगे। एक प्रश्न इसमें थोड़ा रह गया, ये समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं कर रहा उसे, वो उल्लास पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक करता है, इसलिए कोई आत्मघात नहीं समझना इसमें। देखो, ये तो कोई की बहुत मोह ममता छूटी होगी तो वो दवा छोड़ रहा है, तो भोजन छोड़ रहा है, कोई ऐसे नहीं छोड़ रहा है। नहीं तो देह की ममता में तो अच्छे अच्छे पाप करते हैं अंतिम समय तक, इसलिए ऐसा नहीं समझना इसमें कोई आत्मघात है, है? मालूम शास्त्र में तो ऐसा लिखा, संयम की रक्षा भी करने के लिए यदि ऐसा लगे कि संयम न लुट जाए तो इस भय से भी ना मरे, संयम ना लुटे इसकी तक तैयारी करो, लेकिन मरने का भाव मत करो। तो यह आत्मघात नहीं है, है ना, बाकी चर्चा तो कल करेंगे। ओम नमः सिद्धि। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुम्हें को न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, छूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना शतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, बोशावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न बांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हजाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं।
रत्न त्रय का हो पालन हो अंत में समाधि शिव राम प्रार्थनाए जीवन दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए बाऊं देहांत के समय में।